तो भाई फाइनली 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 जिस मकसद से मैं यहाँ आया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। ऐसे ना इतना ऊपर पानी, ठीक है, तो सीन ये हुआ मैं उस पानी के अंदर डूब गया, तो उसकी वजह से ना मुझे पानी से अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज की अपडेट ऐसी है कि आज मैं आया हूँ भैरिया टाउन कराची में। तो अभी का प्रोसीजर ऐसा है कि भैरिया टाउन के अंदर एक कोई चीज़ डिस्कवर हुई है, तो मैंने सोचा है कि यार मैंने एक दो लोगों से सुना है, अभी मुझे भी उसकी लोकेशन नहीं पता ना। तो अभी का सीन ऐसा है कि मैं आज अकेला ही आया हूँ भैरिया टाउन कराची। तो अभी ये है कि मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर डिस्कवर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। वहाँ की कोई वैसे पिन लोकेशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है एक तरीके से वाटरफॉल जो भैरिया टाउन कराची के अंदर लोगों ने ढूंढी है खुद ही, और वो नेचुरल एक तरीके से। तो अभी का प्रोसीजर ऐसा है कि मैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं, भैरिया टाउन कराची के अंदर मैं खड़ा हूँ। तो अभी का मैंने बोला यार चलो चलते हैं और वो जगह जाकर ढूंढते हैं, अगर मुझे मिल जाती है तो। और मुझे भी नहीं पता वो जगह कहाँ है। वो तो तकरीबन भैरिया टाउन के मेन गेट से भी वो 20 मिनट या 15 मिनट का रास्ता है वहाँ तक पहुँचने में भी, लेकिन मुझे अभी लोकेशन नहीं पता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, साथ चले मैं आपको मैं साथ गाइड भी करता रहूँगा कि कौन किधर है लोकेशन और किधर ये पड़ रहा है। तो अभी का सीन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं मेरे जानने वाले, उन्होंने बोला उमर हमने एक ऐसी जगह देखी है। तो अभी यही है कि अभी मैंने बोला यार तुम लोगों ने देख ली, मैं भी देखूँगा जाकर। तो अभी यही है कि यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं, क्योंकि अकेला था, मैंने कोई दोस्तों को बोला कोई चला ही नहीं साथ, मैंने बोला सब जाओ भाड़ में, मैं निकल रहा हूँ भाई, सीधी साफ सी बात है। अब दूसरों के आसरे में बैठा रहूँगा मैं भी, चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। अभी मेरा तो दिल करता है मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ें। तो अभी यही है कि बस मैं अभी निकल रहा हूँ और आपको मैं रास्ता भी गाइड करता रहूँगा कि किधर है, किधर प्लेस बनी हुई है, किधर नहीं बनी हुई। और बाकी आपको पता है भैरिया टाउन कराची के जो नज़ारे हैं, फिर वो तो नज़ारे हैं। अच्छा अभी का सीन ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये भैरिया का मेन गेट है, मैं तो अभी सर्विस लेन पे खड़ा हूँ। ये भैरिया का मेन गेट है, ये चुरंगी मतलब जो राउंड अबाउट है, आप वैसे घूम के आओगे, आप वैसे स्ट्रेट जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ सर्विस लेन पे, तो मैं सर्विस लेन से जाके मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस रोड से किस तरफ जाना है, ठीक है। आगे जाके थीम पार्क आएगा, थीम पार्क से भी अपना राउंड हो गया स्ट्रेट जाना है, ठीक है। तो अभी बस निकल रहा हूँ और मैं आपको रास्ते साथ गाइड करता रहता हूँ, मैं भी चीज़ एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैंने भी, मेरा बड़ा दिल कर रहा है वो चीज़ में जाके देखूं और वहाँ के क्या सीन्स है। तो चलें, ये बात बताना भूल गया कि अगर मैं मुझे वो जगह मिल जाती है तो मैं वहाँ पिन लोकेशन अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ख्वार होने से बेहतर है कि आप वो पिन लोकेशन में क्लिक करें और आप लोगों को लोकेशन मिल जाए, आप लोग फटाफट पहुँच जाओ। अभी का सीन को जैसा है कि मैंने बोला यार अभी इतनी दूर जा रहे हैं तो पैसे निकाल ही लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि भैरिया टाउन कराची के अंदर किस तरह से बैंक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये बैंक्स जो है ना उनके बैक साइड पर है, ठीक है। ये लाइन से एटीएम मशीन लगी हुई है भैरिया टाउन कराची के अंदर, आप यहाँ से आओ अपने एटीएम पे जाओ, आप जाके अपने पैसे निकालो। तो मैंने सोचा है मैं भी पैसे निकाल लूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे लगता है कि पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि थोड़ी मुझे लग रही दूर है। तो बस अभी चलते हैं, पैसे वैसे निकालते हैं। गाइड कर दूं कि आप अगर आप आओगे उस तरफ से सीधा करके, ठीक है। ये चुरंगी ऐसे घूमेगी, सही है, घूम के आपने जब आप घूमोगे ना तो पहला लेफ्ट आएगा, लेफ्ट पे नहीं जाना। अभी का सीन ऐसा है कि जगह ढूंढते ढूंढते जैसे देखिए आप हम किधर आ गए वीराने में, तो मतलब उस बंदे ने लोकेशन इसी तरफ कहीं दिखाई थी। तो अभी का सीन ऐसा है कि भाई अभी ढूंढ ही रहे हूँ जगह, जगह ही ढूंढ रहा हूँ, तो जगह मुझे जैसी मिलती है फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। 20 minutes later। हाँ तो भाई इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद, इतना ख्वार होने के बाद, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, मुझे जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मुझे जगह मिली है, ओए 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 भाई मज़ा आ गया। आप
चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ जगह। अभी मैं अभी दूसरी साइड खड़ा, मैं दूसरी साइड भी जाऊँगा उसके। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से व्यू, ये आप चेक करो। पानी देखो भाई, पानी। चलो यहाँ पर दूर दूर तक पहाड़े पहाड़े, वहाँ पर कोई नज़र कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और नीचे बंदे जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं नीचे क्योंकि मैं अकेला आया हूँ। भी ये चेक करो कि पहाड़ के बीच पूरा पहाड़ कटा हुआ है। सही, कटा होने के बाद जैसे असल बेसिकली इसका ये चीज़ वो चीज़ है जैसे कि भेरेडम कराची के अंदर जहाँ बारिश होती है ना, तो इन्होंने कनाल सिस्टम बनाया हुआ है कि जहाँ पर आकर पानी स्टोर हो जाए और आराम से, मतलब कि ये लोग रिफिल हो जाता रहता है, मतलब कि एक तरीके से ना नेचुरल कनाल बन गई है। इन्होंने कनाल बनाया जो पानी को स्टोर करती है, ठीक है। अगर हवा का थोड़ा ब्लिंड आ रहा हो तो वो आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अभी खड़ा हुआ इस जगह पे हूँ। अच्छा, अभी का सीन ऐसा है कि पहले मैं इधर से जाता हूँ, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि भाई अगर वहाँ से नीचे जाने का रास्ता, क्यों वहाँ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप, ये मुझे नज़र आ रही है और एक जगह सामने है, ठीक है। पानी के अंदर जाने का सीन ऑफ है क्योंकि भाई मेरे को लगता है पानी से डर, सीधी सी बात है। सही है, एक दफ़ा हुआ था फैसलाबाद में, मैं एक स्विमिंग पूल पर चले गया था तो वहाँ पर भले मुझसे ना इतना ऊपर पानी, ठीक है, तो सीन ये हुआ मैं उस पानी के अंदर डूब गया। तो उसको ऐसे ना मुझे पानी से खौफ आ गया। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी मुझे प्लेस तो मिल गई है, अब मेन चीज़ है कि यहाँ पर हम बंदा नीचे किस तरह से जाए ना, देखता हूँ। सही है, और अब मैं आपको बताता हूँ लोकेशन। लोकेशन ये देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स सिटी विलाज है, ठीक है, और उसके बैक साइड पर ये बना हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ प्रीसेंट 29, ये रहा पीछे, सही है, प्रीसेंट 30। इस 30 से ऐसे आओगे आप यूँ अंदर जाकर। और इतफाक सीन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था क्योंकि मुझे ना मिल नहीं रहा था ये, तो अभी ये हुआ कि मैं बस यूँ मुड़ा हूँ सामने। हाय हाय भाई, देखो नसीब होता है ना, अच्छा नसीब तो ऐसे ही होता है। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी नीचे जाएं ना जाएं, लेकिन यार मेरा तो दिल खुश हो गया, जो बात है यार। अभी थोड़ी देर वेट कर यहाँ पर इसके टाइम लैप्स लेते हैं फिर चलते हैं। भाई अब मैं आ गया हूँ जहाँ से हम थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं, ठीक है, और जहाँ से इसका व्यू और मज़े का है। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, सही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लोकेशन। पानी जो है ना वो जैसे वाटरफॉल हो रहा होता है उस तरह का है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इन्होंने ये कैनाल सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे पानी बिल्कुल साफ़ है, पानी क्या है, बिल्कुल साफ़ है पानी। तो अब तो गया हूँ इस लोकेशन पर, अब इसकी दूसरी साइड जा रहा हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ भाई उधर का क्या सीन है। भाई प्लेस अच्छी है, ठीक है, अगर बंदा यहाँ पर आके भैरे डाउन के अंदर आकर अगर अपनी पिकनिक बनाना चाहता है, बनाना नहीं मनाना चाहता है, मतलब कि यार फैमिली के साथ आ जाए, सही है, एक दो घंटे उस बंदा गुजार ले या बारबेक्यू कर ले अगर, लेकिन ये दिन में आने वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि आप अगर सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक आ जाओ, अंधेरा होने से पहले पहले अब यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। अब मैंने एक जगह और जाना है, सही है, देखते हैं जहाँ से पानी का वाटरफॉल हो रहा था, सही है, वो जगह जाके देखते हैं कि किधर से पानी आ रहा था। तो अभी भाई अभी यहाँ की पिन लोकेशन मैं ले लेता हूँ। पिन लोकेशन लेने के बाद आपको आसानी होगी यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसे ही है कि एक हम लोगों ने नई चीज़ एक्सप्लोर तो कर ली है, और भाई मेरी होलिया में नहीं जाएगा क्योंकि नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ के बहुत पसीना आ गया। और अभी देख रहा हूँ मैं एक उससे और ऊपर जगह जाके कि वहाँ से क्या इसके शॉट्स आते हैं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से शॉट भी लेके जाऊँ। और अच्छा, सन इधर है, सूरज इधर है, इसलिए थोड़ा बहुत काला रहूँगा, और मैं अगर ऐसे चलूँगा, लेकिन मुझे जाना इस तरफ है तो मैं कैसे जाऊँगा, रिवर्स जाऊँगा रिवर्स, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अगर काला वाला होगा तो चला लेगा। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा शायद हो सकता है मिल जाए, क्योंकि कि आपको ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा दिखे, क्योंकि ये मैंने आपको पूरी लोकेशन बताई है, वरना आधी आधी व्लॉग डालूंगा लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पूरी मैंने इस वजह से डाली था कि आप लोगों को भी लोकेशन भी समझ में आ जाए और आप लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर सको। अच्छा, मैं अब दिखाता हूँ कि क्या सीन क्या है। आप आओ, सही है, वहाँ अपनी गाड़ी कार पार्क करो, यहाँ पर आओ, यहाँ लगाओ बारबेक्यू, ठीक है, यहाँ बैठो आराम से सकून से, पूरी जगह अपने पास पड़ी हुई, आप आराम से। अब इन्होंने क्या सीन है, ये ना पहाड़ काटे हुए, सही है,
ये पहाड़ पूरा काटा हुआ है, पहाड़ काट के इन्होंने ना ये इन्होंने कनाल सिस्टम बनाया हुआ है सही, और यहाँ पर पानी बहुत है ठीक है, आपकी 100 से ज़्यादा पानी है यहाँ पर। और आपको पिन लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक होता है और मेरा फेसबुक का भी लिंक होता है, तो जाके वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। तो जल्द से पिन लोकेशन लेते हैं। और तो भाई फाइनली जिस मकसद से मैं यहाँ आया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। ऐसा है कि अभी हम नीचे उतरने की तो जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको जगह दिखाता हूँ। आपको शायद पानी की आवाज़ आ रही होगी, सुने आवाज़ आ रही। तो अब जिस मकसद से मैं आया था वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जगह मिल गई है। तो अब वो आप देखो यहाँ के शॉट्स ठीक है। आप सब कुछ छोड़ो, आप पानी चेक करो, पानी क्लियर पानी कितना है ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो पानी नीचे पानी है ना तो वो है काफ़ी गहरा, तो मैं नहीं जाऊँगा, ये पत्थर थोड़ा टूटा हुआ है तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा आप देखो, आप कभी सोच सकते हो कि ये प्लेस, ये चेक करो आप, ये प्लेस भैरव डैम कराची के अंदर है। ये पहाड़ को काटे हुए जिस कनाल के बारे में बात कर रहा था ना मैं आपसे, हाँ मैं जिस कनाल के बारे में आपसे बात कर रहा था, वो कनाल ऐसे आकर मतलब इधर से पानी आ रहा है, पता नहीं किधर से पानी आ रहा है, सी पानी इधर से आ रहा है लेकिन आग इधर से ये नहीं पता। यहाँ से पानी आता है ठीक है, पानी आकर ये यहाँ से वाटरफॉल आए, हाय हाय लोग यहाँ पर नहाते भी हैं आकर ठीक है, क्योंकि अभी चंद लोग जो लोग यहाँ पर आए हैं वो उन्होंने नहाया भी है, लेकिन यहाँ से मैं तो नहीं उतर रहा नीचे। मतलब ये जैसे ये प्लेस है ना, ये प्लेस यहाँ से पानी इधर जा रहा है, और इन्होंने ये पहाड़ बिल्कुल काटा हुआ ऐसे, और यहाँ से पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है। तो बॉयज़ आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अभी आप यार मेरा दिल खुश हो गया इधर आकर, अभी चेक करो बस यार, ये स्पोर्ट सिटी विलास हैं, वो दूर नहीं है करीब है। अगर आप सीधा आओ स्पोर्ट सिटी विलास से तो आप डायरेक्ट इधर आ सकते हो। तो अभी ये है कि स्पोर्ट सिटी विलास, और ये यहाँ पर वो आ गया। और तो आपको अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। ये जगह शायद मैं दूसरा बंदा हूँ जिसने एक्सप्लोर करी है, तो कीप सपोर्टिंग, और जाओ। और अभी बस मैं निकल रहा हूँ घर, और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी दबा देगा। अभी अंधेरा आ रहा होगा, तो अल्लाह हाफिज़।